नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है और भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है और अमेरिका के साथ अपने एक सौदे को रद्द कर दिया है। जी हां, अमेरिका के साथ जो सौदा किया था भारत ने, अब उसे भारत ने रद्द कर दिया है। और बता दें कि असॉल्ट राइफल का ये जो सौदा हुआ था, अब भारत ने उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और इसकी बड़ी वजह भारत ने बताई है। हालांकि इस सौदे के रद्द होने के बाद अब अमेरिका निश्चित तौर पर तिलमिलाया हुआ है, लेकिन वो इतना समझ लें कि भारत झुकने वाला नहीं है। भले ही कुछ भी हो, भारत अपनी बातों पर अडिग है और अगर भारत को अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो निश्चित तौर पर वो कोई देश हो, वो चाहे अमेरिका ही हो, भारत निश्चित तौर पर उनके साथ सौदा नहीं करेगा। ये खबर इसी ओर इशारा करती है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच हुए सिग सोर असॉल्ट राइफल के सौदे को बड़ा झटका लगा है। भारत ने अमेरिका के साथ इस सौदे की दूसरी खेप को अब रद्द कर दिया है। इस खेप में भारतीय सेना को करीब 72,000 अमेरिकी राइफल मिलनी थी, लेकिन इस राइफल की पहली खेप में आई परेशानियों के चलते भारत ने दूसरी खेप का सौदा रद्द कर दिया है और अमेरिका को सीधे तौर पर बोल दिया है कि चीज़ें अगर सही नहीं मिलेंगे तो हम आपके साथ ऐसा सौदा नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में LAC पर चीन से चल रहे विवाद के दौरान रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 72,000 अतिरिक्त सिग्स सोर राइफल खरीदने को मंजूरी दी थी। इस सौदे की कुल कीमत करीब 780 करोड़ रुपए बताई गई थी। इससे पहले 2019 में भी अमेरिकी कंपनी सिग्स सोर से 72,400 राइफल खरीदी गई थी। हालांकि जब ये खेप आया था 72,400 का, तब कुछ समस्याएं आई थी और जो राइफल्स आई थी उसमें कुछ खामियां दिखी थी, जिसके बाद अब दूसरे खेप को जो ऑर्डर किया गया था वो सौदा भारत ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पहली खेप में मिली इन 7.62x51mm राइफल को चीन से सटी LAC, LOC और कश्मीरी घाटी में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था और सैनिकों को दिया गया था। लेकिन इस दौरान पाया गया कि इन राइफल में कुछ ऑपरेशनल परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से सैनिकों को इसे चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब जानकारी के मुताबिक इन अमरीकी राइफल्स में स्वदेशी एमुनिशियन यानी गोलियां इस्तेमाल की जा रही थी। इसके कारण कई बार राइफल के जाम होने की भी रिपोर्ट आई और जब ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इस पर जांच की। इसके अलावा देसी बुलेट्स इस्तेमाल करने से राइफल में हाई रिकॉइल यानी तेज झटका भी सैनिकों को लग रहा था और कभी कभी उल्टा फायर हो रहा था, ऐसा बताया गया। यही वजह है कि सेना ने सिग्स और राइफल की दूसरी खेप वाले सौदे को अब तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। अमेरिका को संदेश भेज दिया है कि सौदे में आप इस तरीके से गलतियां नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से खराब सामान आप नहीं भेज सकते हैं, इसीलिए 72,000 से ज़्यादा अब राइफल भारत नहीं आएंगी। ये जो दूसरा खेप है, भारत ने इसे रद्द कर दिया है। फिलहाल अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि अमेरिका निश्चित तौर पर दबाव बनाने का आगे प्रयास करेगा, लेकिन जो बाइडेन के साथ साथ सभी को समझ लेना चाहिए कि भारत झुकने वाला नहीं है और भारत अपने सौदे अगर करेगा तो निश्चित तौर पर उसे सामान अच्छा चाहिए। अमेरिका हो या कोई और देश, उसे ये बात समझ लेनी चाहिए। फिलहाल भारत ने ये बड़ा सौदा अमेरिका से रद्द कर दिया है।